जय हिंद एवरीवन, मायसेल्फ कैडेट रोहित मंडल फ्रॉम नंबर 2 बंगाल एयर स्क्वाडन। आशा करता हूँ आप लोग इस पैंडमिक सिचुएशन में अपने घर में सही सलामत सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इंडिया फिटनेस को लेकर बहुत ही एग्रेसिव हो चुका है, यानी कि इस पैंडमिक सिचुएशन में लोग किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं, घर पर ही रह कर फिट रहना चाह रहे हैं। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को बताने चाहता हूँ कि 2019 में 29 अगस्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कैंपेन लॉन्च किया था जो कि फिटनेस और हेल्थ को लेकर बहुत ही बड़ा मूवमेंट था। इसका नाम था फिट इंडिया मूवमेंट। तो फिट इंडिया मूवमेंट के तहत श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्लेज लिया था, तो चलिए उसे रिपीट करते हैं। आई प्रोमिस टू माई सेल्फ दैट आई विल डिवोट माई टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट एवरी डे एंड आई विल इंकरेज माई फैमिली मेम्बर्स एंड नेबर टू बी फिजिकली फिट एंड मेक इंडिया अ फिट नेशन। तो आप लोग को ये जानना चाहिए हमारे इंडिया का हेल्थ एंड फिटनेस कार्ड जो है वो बाकी कंट्री के मुकाबले बहुत ही कम है, और इसे ऊपर करने के लिए हमें खुद को फिट रखना होगा, हमारे फैमिली मेम्बर्स को फिट रखना होगा और हमारे नेबर्स को इंकरेज करना होगा कि हाँ आप लोग भी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, खुद को फिट रखिए। क्योंकि साल प्रति साल जो है कोलेस्ट्रॉल और शुगर के पेशेंट्स हैं वो बहुत ही बढ़ रहे हैं, तो इसे हमें रोकना होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फास्ट फूड को अवॉइड करना होगा। क्यों? क्योंकि फास्ट फूड से हमारे हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है, और दिन के 24 घंटे में कम से कम एक घंटा हमें फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालना ही होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो फ़ोन में बिजी रहते हैं, टीवी के सामने बैठे रहते हैं, दिन भर सोए रहते हैं। हाँ, ये चीज़ ये सब भी करना चाहिए, लेकिन दिन भर में एक घंटा तो निकालना ही चाहिए जिससे आप खुद को फिट रख सकें। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप उस एक घंटे में क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है योगा। योगा हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। योगा में आप अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जयी, ब्रह्मी, भस्त्रिका, ये पांचों आप योग कर सकते हैं। इससे हमारे शरीर का इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही जल्दी बूस्ट होता है, जिससे आप इस पैंडमिक सिचुएशन में अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा आप घर पे आप पुशअप्स मार सकते हैं, सिटअप्स मार सकते हैं, लेग राइज कर सकते हैं, आप अपने घर की सीढ़ियों पे चल सकते हैं या फिर छत पे टहल सकते हैं। मतलब ये सारी एक्टिविटी आप इस एक घंटे में कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि आप उस एक घंटे में आप क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। वैसे तो आप 2 घंटे 3 घंटे भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं अपने डेली रूटीन का 2.5 घंटा सिर्फ वर्कआउट में देता हूँ खुद को फिट रखने के लिए, और अपने फैमिली मेम्बर्स एंड नेबर्स को भी इनकरेज करता हूँ कि हाँ आप लोग भी फिजिकली फिट रहिए और फिट इंडिया मूवमेंट का एक पार्ट बनिए। तो चलिए इसी के साथ मैं आज ये अपना बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।